कानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। इस वक्त कचहरी में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि महज दो दिन चुनाव प्रचार का बचा है और वो क्या सोच रहे हैं, वो अपने आप को कहां पर पा रहे हैं। सर, दो दिन महज चुनाव प्रचार जो है वो बचे हैं, अपने आप को किस जगह पर देख पा रहे हैं आप? देखिए, पूरे भारत में इंडिया गठबंधन बहुत आगे जा रहा है और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जो हर वर्ग को दुखी दिया है उससे भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन से बेहद नाराज है और इस बार इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा। जो आरोप आप लोगों पर लगते हैं कि आपने ठगा है, छला है लोगों को, और इसके अलावा गुंडई अराजकता चरम पे रही, गुंडई रही, इन सब बातों का कितना असर देख रहे हैं चुनाव में? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी तो इस तरीके की हल्की भाषा बोलने पर आ गई है कि उसे जानकारी हो गई है कि हमारी धरती खिसक गई, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है, जनता से गलत बयानी की है। इसलिए पूरे भारत में, भारत समाचार में भी चल रहा है, हमने उनकी समीक्षाएँ देखी हैं कि पूरे भारत में इस बार इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाने जा रहा है। और एक सवाल ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 साल से सांसद हैं साध्वी निरंजन ज्योति, मंत्री भी रही हैं प्रदेश केंद्र सरकार में, तो उत्तर यहाँ फतेहपुर में विकास के भी कोई मुद्दे हैं कि खाली जो है वो अपने अपने कद के हिसाब से लोग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव में भारत के सभी मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, किसानों की फसलों का मूल्य नहीं मिला, कुटीर उद्योग चौपट हो गए, और हमारे ज़िले में तो सबसे ज़्यादा 10 साल से जो माननीय सांसद महोदया हैं विकास के नाम पर एकदम शून्य दिखती हैं। जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जो NH की सड़कें हैं, जो SS स्टेट हाईवे की सड़कें हैं, पूरी तरीके ध्वस्त हो गई हैं। तो यहाँ फतेहपुर में विकास होगा, क्या विचारधारा है आपके, क्या विचारधारा है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ सोचा है सर? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की फसल की लूट, नौजवानों को रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, शुक्रिया। आपने नरेश उत्तम पटेल जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में हम महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, फतेहपुर।